अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, मज़े में होंगे और इंशाल्लाह से आप लोगों के भी रोज़े बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माउथ मेल्टिंग पराठे बनाने की रेसिपी। इसे किस तरह से फ्रीज करके रखना है ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इसे ईज़िली 15 डेज के लिए, मंथ पूरे मंथ के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं। और मैं इसमें बताऊंगी आपको तीन तरीके से लेयर बनाने की ट्रिक, आपको जो इजी पड़े आप उसे बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो मैंने सबसे पहले परात में लिया है गेहूं का आटा, ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप जिस क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको क्वान्टिटी बढ़ा दीजिए। अब जिस कप के मेजर से मैंने गेहूँ का आटा लिया है उस कप से हम आधा कप मैदे का आटा लेंगे और आधे से थोड़ा कम सूजी लेंगे। पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक और यहाँ पे मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो हमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क डालूँगी मैं 3 टेबलस्पून, आप चाहो तो इसमें दूध पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें एक अंडा डालूँगी, अगर आप अंडा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क या दूध पाउडर से होता यह है कि आपकी जो पराठे है उसमें टेस्ट में थोड़ा इंक्रीज़ होता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसलिए आप चाहो तो कंडेंस मिल्क डाल दीजिए या इसमें दूध पाउडर डालना है तो 4 से 5 टेबलस्पून दूध पाउडर डाल दीजिए। अब हमें इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और इसका अच्छे से एक डो तैयार करना है। हमें इसे ज़्यादा पतला भी नहीं गुनना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं गुनना है और हमें इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए ढक कर रखना है। अब हमें इसे अच्छे से हाथों की हथेली से इसे मसल के गुनना है, 5 से 7 मिनट्स के लिए इसे हमें गूंदना है। तो माशाल्लाह से हमारा डो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मुलायम हो गया है और इस हद तक हमें इसे गूंदना है, कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट है। तो हमें अब इसके पेड़े बनाने हैं, 15 से 17 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट करने रखना है और उसके बाद इसके पेड़े बनाने हैं और इसे बेलना है। तो यहाँ पे मैं उस पे पराठे पे लगाने के लिए एक बैटर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और हमें ऑयल लेना है 4 से 5 टेबलस्पून और इसका हमें एक पेस्ट बनाना है और इसे पराठे पर हमें लगाना है। तो हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमें और एक बार इस आटे को थोड़ा 1 मिनट के लिए गूंदना है और हमें इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े ज़्यादा बारीक बारीक नहीं बनाने हैं, थोड़े मोटे बनाने हैं क्योंकि जो पराठे होते हैं ना वो थोड़े ठीक होते हैं उस हिसाब से। तो हमें यहाँ पे मैंने 5 पेड़े बनाई हूँ, अब हमें इसे बेलना है, नॉर्मली रोटी बेलते हैं वैसे बेलना है, उसके बाद हमें इसे शेप देना है। मैं आपको बताती हूँ आप उस तरह से कीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा लूँगी और इसे हमें बेलना है, ज़्यादा मोटी भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतली भी नहीं करना है और साइड्स को अच्छे से बेलना है और इसके बाद हमें इसे शेप देना है। ये नॉर्मली हम रोटी बेलते हैं उस तरह से बेलना है। अब हमें ब्रश से जो बैटर हमने तैयार किया है मैदे और तेल का वो इसमें अच्छे से लगाना है, पूरी रोटी पे साइड से बीच से अच्छे से लगाना है हर तरफ से।
और जब पराठे रेडी हो जाएंगे और हम जब इसे रैप करेंगे बटर पेपर में या किसी भी पॉलीथीन शीट्स में, तो हल्के हाथों से इसे बेलन से ज़रूर बेलिए, वरना जब आप पराठे निकालोगे तो पापड़ की तरह सख्त हो जाएंगे। अब हमें इसमें लंबे लंबे कट्स मारने हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी मार सकते हैं या छुरी से मार दीजिए। अब हमें इसे फोल्ड करना है। अब देखिए मैं कैसे करती हूँ फोल्ड। इस तरह से हमें सारी जो पट्टियाँ है उन्हें एक साथ जॉइन करना है और इसे राउंड शेप में इस तरह से फोल्ड करना है। हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाना है और इसे फोल्ड करना है ताकि जो पट्टियाँ है वो एक दूसरे से अच्छे तरह से चिपके। अब हमें इसे ऐसा एक पेड़ा बनाना है और हमें एक बार और इसे गेहूं के आटे में डस्ट करना है। अब हमें इसकी एक रोटी बनानी है, थोड़ी थिक बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। तो हमारा पराठा ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हल्के हाथों से इसे बेलना है हर तरफ से, साइड साइड से। आप ये पराठे महीने भर भी स्टोर करके रख सकते हैं या 15 डेज के लिए भी कर सकते हैं। आपको जब मन चाहे इसे निकाल लीजिए, तवे पे गरम कीजिए बटर लगा के, और क्रिस्पी सा पराठा आपका रेडी हो जाएगा 2 मिनट में। और आप इसे इजीली किसी भी डिश के साथ खा सकते हैं, या दही के साथ, या चाय के साथ, या कोई भी ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये देख सकते हैं, इतना ठीक रखना है इस पराठे को और इसे कट्स आने चाहिए। ये देखिए, इसे कहते हैं लच्छा पराठा। अब हमें इसे फ्रीज करना है, तो मैंने लिया है बटर पेपर। ये कहीं पे भी किसी भी स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा। इस पर हमें बटर पेपर पे पराठे को रखना है और हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। जब भी अगर आपको ज़रूरत होगी निकाल लीजिए और इसे तवे पर गर्म कीजिए और हल्का सा बटर लगा के इसे खाइए। तो मैं दूसरा स्टेप बता रही हूँ कैसे पराठा बनाना है। आपको जो तरीका इजी पड़े आप उस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे मैंने उस तरह रोटी बनाई है सिंपल सी, उस पर मैंने बटर लगाया है, जो बटर और मैदे का मिक्सचर है वो लगाया है। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। आप देखिए मैं कैसे फोल्ड करती हूँ। तो इस तरह से हमें फोल्ड करके इसे राउंड शेप में फोल्ड करके इसे बेलना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास कोई भी पॉलीथीन की शीट्स होंगी उसमें पराठे को रख दीजिए। पॉलीथीन शीट्स को नीचे रखिए, ऊपर पराठा रखिए, बीच में पराठा रखिए और उसके ऊपर पॉलीथीन शीट्स वापस रखिए और हल्के हाथों से बेलिए। वो बेलना ज़रूरी है क्योंकि जो पराठा है उसमें हवा नहीं जानी चाहिए और वो शीट्स में अच्छे से चिपकना चाहिए, इसलिए हल्के हाथों से थोड़ा ऊपर से जब हम ऊपर नीचे से शीट्स लगाए तो बेलना है। तो हमारा दूसरा तरीका भी हो गया, अब मैं तीसरा तरीका बताने जा रही हूँ। नॉर्मली रोटी को बेलिए और हमारी जो रोटी है उसको सेंटर से साइड तक कट्स मारिए और इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करते जाइए। अब हमें इस तरह से इसे प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करके फिर इसे आटा लगाकर इसे और एक बार बेलना है। ये तीसरा तरीका है। आपको जो भी इजीली पड़े आप उस तरीके से आप अपना पराठा बना सकते हैं। तो यही हो गया हमारा तीसरा तरीके से पराठा रेडी। अब हमें इसे इस तरह से स्टोर करना है। और मैंने बताया नहीं, मुझे ये बटर पेपर लगाने के बाद मैंने और एक बार बेला इस पराठे को ताकि अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। बस मैं आपको बता रही हूँ इसे इस तरह से रखना है। ये ऊपर नीचे से बटर पेपर की शीट्स लगानी है ताकि जो पराठे हैं वो एक दूसरे को चिपके ना। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे आप स्टोर करके रखिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये तरीका। और मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।